एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है जिसके चैप्टर का नंबर है 6, मतलब आज 6 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन कहता है वो कहता है यूनिसेफ कितने देशों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो आप सभी को तो पता है ना कि यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ कैसे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए, उनके टीका दवाई के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है। तो अभी के समय में अगर बात की जाए ना तो यूनिसेफ जो है वो 193 देशों के साथ काम कर रहा है, 193, बहुत ही बड़ा संगठन है, बहुत ही बड़ा संघ है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये पोलियो वगैरह का दवाई अपने बच्चों को पीते हुए देखा है ना, अक्सर इसमें यूनिसेफ का ही नाम आता है। वही इन बच्चों को पोलियो जैसे रोग से मुक्त करवाने के लिए इन तरह का दवाइयों लाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसका अगर बात किया जाए तो वो हेग में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है ILO की स्थापना कब हुई। कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ILO में, तो यहाँ पे मैं बता दूं ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में ILO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है ILO के उद्देश्य क्या है, किन कारणों से ILO को बनाया गया था। तो ILO का जो उद्देश्य है तो ये मजदूर के लिए बनाया गया था, मजदूर संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। कई बार आपने देखा है कि लोग ना मजदूरों से काम करवा के उनके पैसे नहीं देते, बड़ी बड़ी कंपनियां मजदूरी करवा लेती है, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देती, तो ऐसे समय में ILO जो है प्रमुख भूमिका निभाती है और ऐसे ऐसे कंपनियों को डंडा करने का काम करती है और गरीबों की मजदूरी जो है उनको समय पे दिलवाने का काम करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना ही ILO का काम है। अगला प्रश्न हमारा कहता है ILO का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका ऑफिस, ILO के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड का बहुत सुंदर शहर है, याद रखिएगा ILO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है फुल फॉर्म ऑफ द ILO, इंग्लिश में तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न हमारा कहता है फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था और मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी चैप्टरों के वीडियोस को देखें, क्योंकि इस बार 95+ नंबर चाहिए हमें पॉल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस इजी सब्जेक्ट है और इस बार मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, हर एक चैप्टर के वीडियो लाए, हर एक पार्ट में लाए हैं, उनके MCQ लाए और आगे इसके क्वेश्चन आंसर को भी लाया जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान से समझिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड मतलब यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला शहर है, बहुत ही विकसित है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर यूनिसेफ का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वहां पे न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है UNESCO के उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, ये भी एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, सांस्कृतिक विविधता संवाद और शांति को भी प्रोत्साहित करता है, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करता है। ये सारे पॉइंट जो है वो UNESCO के उद्देश्य में आते हैं।
इन्हें बनाने के पीछे यही रीजन था कि यह शिक्षा, सांस्कृतिक, इकोनॉमिकल सिस्टम, सामाजिक दूरियों इत्यादि को समाप्त करे। अगला प्रश्न हमारा कहता है UNESCO का मुख्यालय कहाँ है, तो UNESCO का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस भी बहुत एक अच्छा शहर है, उत्तम शहर है, आप कह सकते हो। UNESCO का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पेरिस में है। अगला प्रश्न हमारा कहता है UNESCO की स्थापना कब हुई, 1946 ईस्वी में, 1946 में UNESCO की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, UNESCO की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, जो कि अक्सर पूछा जाता है एक नंबर के प्रश्नों में, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश का कार्य करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो एक संघ है, संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो तकनीकी सहायता मुहैया कराना काम है उसका, तकनीकी सहायता मुहैया करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखभाल भी करता है, इसके अलावा मांगे जाने पर वित्तीय सहायता मतलब कि लोन वगैरह पैसे उधार देशों को देता है, हम लोगों को नहीं देगा, हम लोगों को लोन देने के लिए ना हमारे पास बैंक है जो देश के अंदर है, और अगर देश को लोन चाहिए तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाएगा और वहां से लोन लेते हैं। तो हम तो लोन लेते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये लेते हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे देश ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज डैश वर्ष के लिए होते हैं। देखिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर ली जाए तो उसमें जो जजेज होते हैं उनकी कार्य अवधि ना 9 साल का होता है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल न्यायालय है, उसमें जो जजों की कार्यकाल की अवधि होती है वो 9 ईयर की होती है, 9 साल की होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो वहां पे जज की संख्या जो है वो 15 होती है, उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है तो वहां पे आप बताएंगे जजों की संख्या 15 होती है, और उनके अगर कार्यकाल की बात की जाए कितने समय के लिए उन्हें चुना जाता है तो उन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है, मानव के अधिकारों का हनन होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का निर्माण किया गया था, जिसमें मानव के जो हित के फैसले हैं या फिर उनका राइट्स है उसका हनन न हो, उनकी देखभाल अच्छे से हो, और अगर कहीं होता है तो उनकी वकालत करने के लिए ये जो संगठन है ह्यूमन राइट्स वॉच वो आवाज अपना बुलंद करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन भी जो है वो मानव के अधिकारों से संबंधित है, वो मानवाधिकारों की बात करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला देश अमेरिका ही है, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो यूएन है ना, बहुत सारे और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां पे अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, 1957 में हुआ था, 1957 में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, 1995 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। अगर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात की जाए तो हमेशा आपको बताना है कि 1995 में ही विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है क्या, विश्व व्यापार संगठन। अगर आपको विश्व व्यापार संगठन के उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का ये उत्तराधिकारी है, इसे याद रखिएगा, मैंने चैप्टर में भी आपको इसको बताया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है अभी तक, जो निशेषाधिकार है अस्थाई देशों का वीटो पावर, उसका सबसे कम इस्तेमाल किया है चीन ने, 4 बार ही किया है, और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो किसने, रूस ने किया है, कितनी बार, 122 बार। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा, वीटो पावर का अभी तक अगर सबसे कम इस्तेमाल करने वाला कोई देश है
तो वो चाइना है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कोई देश है तो वो रूस है, उसने 122 बार किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया है? वही आ गया क्वेश्चन, रूस ने किया है, सोवियत संघ ने किया है, कितनी बार किया है, 122 बार किया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? अस्थायी, अस्थायी जो परमानेंट नहीं है उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, और जो अस्थायी है परमानेंट है वो हमेशा के लिए होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य है उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है और चाइना है। ये 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, और बाकी अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक जो है उसका निर्माण 1944 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये आपको मैंने चैप्टर में भी बताया था, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं वही सर्वोपरि होते हैं, उन्हीं के हाथ में सारा कमांड और सारा पावर होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका डैश होता है, महासचिव होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी महासचिव, उन्हीं के हाथ में सबसे ज्यादा पावर होता है, वही सबसे शक्तिशाली पार्ट है संघ के, इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा महासचिव। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? 5 देश मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कौन कौन सा है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और चाइना है। इन सभी को वीटो पावर का अस्थाई सदस्य बनाया गया है, अस्थाई मतलब परमानेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई और कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? देखिए 5 सदस्य जो है वो अस्थाई है, और 10 सदस्य जो है वो अस्थाई है। कुल सदस्यों की संख्या फिलहाल में 15 है, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है वो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 51 देशों ने, 51 कंट्रीज ने इन घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का, ध्यान से समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? ऑप्शन सी, लीग ऑफ नेशन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था, ध्यान से समझिएगा, 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव जो उस संघ के सबसे पावरफुल आदमी थे उनका नाम था ट्रिगव ली। ट्रिगव ली जो थे वो प्रथम महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? मैंने पहले भी बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? देखिए सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है, आम सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सभी जो है अंग हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन जो है वो अलग एक संघ है, वो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है उसके अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से आपके सभी इंपोर्टेंट प्रश्न जो MCQ के हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इस चैप्टर से जुड़े सभी MCQ मैंने आपको समझा दिया। इसके बावजूद भी यदि किसी MCQ में आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के MCQ में, तब तक के लिए धन्यवाद।